अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अयोध्या से आई वंदे भारत ट्रेन का लखनऊ चारबाग में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। उसके बाद ट्रेन चारबाग लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुई। इस दौरान विधायक नीरज सिंह ने कहा कि यह ट्रेन विकसित भारत के सपने को साकार करती है। यह मोदी जी का कमाल है जो सपने साकार हो रहे हैं। जब 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी तो करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने का साकार होने जैसा है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त ट्रेन निश्चित रूप से नए भारत के नए ट्रेन के रूप में हम इसको देख रहे हैं। यह 107 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। 52 सेकंड के अंदर 100 किलोमीटर की स्पीड ये पकड़ सकती है, वातानुकूलित। और सबसे बड़ी बात, हर एक इसका पुर्जा जो है हमारे देश का बना हुआ है। यह स्वदेशी की अवधारणा को भी पूरी करने जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं समस्त भारत की जनता की तरफ से बधाई देता हूं कि यह वंदे भारत नई दिल्ली से लेकर अयोध्या की उस पावन धरती को जोड़ेगा। और जब 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग आकर देश विदेश से हमारे रामलला का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ यह संदेश देंगे कि यह भारत की भूमि, यह हिंदू और रामलला की भूमि है।